जो दरगाहें जो बनी हुई हैं ये का तो यही नहीं पता जी कौन सी सदी में बनी है। जो इन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई की पांच, उसका क्या कारण था? युग में मानते हैं कि ये है ना सभी कार्य करते हैं, हाथ दिखाते ही नहीं, ये तो कहते हैं भाई तुरंत दान महा कल्याण, एक हाथ लो और एक हाथ दो। और जो ये बाबा जी का जो स्थान है, पांचों बाबरियों का जो ये स्थान बना हुआ है नागे गुरु जी के साथ, जो इनका मेन जो मेला भरता है, मेन मेला किस दिन भरता है? और जो भक्त जन भक्ताई का काम करते हैं, सादगी का झाड़ फूक का काम करते हैं, वो कितने आते हैं यहाँ? तो ये इनकी पांचों स्थान है, ये ज्यादा मानता किसकी है यहाँ? भक्तजनों, आज हम आए हुए हैं सफेदों धाम, जहाँ पर पांचों बावरियों का स्थान है। और ये जहाँ पर जो हम जिस शॉप के ऊपर बैठे हैं, दुकान के ऊपर बैठे हैं, बहुत ही पुरातन दुकान है यहाँ पर। ये 1980 से जहाँ पर बाबा जी के नाम का भोग प्रसाद देते हैं। आप भी जब कभी भी आएँ तो इस शॉप को याद रखें, जहाँ से भोग प्रसाद लें। इनको संपूर्ण विधि के बारे में ज्ञान है कि सावर सिंह बौरी जी को क्या भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, और जो पीर साहब हैं पीर अस्तवली जी, उनको क्या भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। और इन्होंने कहा है कि जो बाबा जी का जो स्थान है, इसकी महिमा का इन्होंने बहुत प्रचार किया। आज इन्हीं से पूछते हैं, भक्त जी क्या नाम है आपका? शिव कुमार। हाँ जी, शिव कुमार जी। सुशील सैनी ने प्रचार किया यहाँ। सुशील सैनी जी ने प्रचार किया बाबा जी का। यहाँ से कैसेट शुरू करी थी, शुरू में डेक वाली कैसेट निकाली, उन कैसेटों से खूब प्रचार फैलाया। हाँ, जो पहले डेक वाली कैसेट होती उसी से। हाँ, उससे बहुत प्रचार फैलाया। उसके बाद फिर ये सीडी कैसेटें आ गई, उसके बाद सीडी कैसेटों से खूब प्रचार फैलाया है। ठीक है। अब भगवान की दया से, बाबा की मेहर से, इनका पूरे हिंदुस्तान में प्रचार फैला हुआ है। हाँ, आप 1980 से यहाँ कर रहे हैं यहाँ पर बाबा जी के। लेकिन ये कैस्टे जो बनाई थी, ये 95 से इन्होंने कैस्टे बनानी शुरू करी। हाँ, कैस्टों के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में इनका प्रचार फैला है। हाँ, और पब्लिक जुड़ी है। हाँ, ना उससे पहले जब 1980 को जब आप यहाँ पर आए, पहले तो बहुत कम आते थे लोग। कम आते थे, किसी को पता नहीं था, इनके बारे में ज्ञान नहीं था। तो कैस्टों के द्वारा ही ज्ञान होया है, सबको पता लग गया, प्रचार फैला है इनका। इनकी महिमा का गुणगान होया है, पता लग गया भाई इनके ऐसी पावर है इनके पास। तो उस महिमा के सुन के दोबारा पब्लिक खूब जुड़ी है। और आप, जो इनकी जो दरगाहें जो बनी हुई हैं, ये तो इनका तो यही नहीं पता जी कौन सी सदी में बनी है। अच्छा, बहुत पुरातन, बहुत पुरानी है जी। ये इनका तो यही नहीं पता भाई कौन सी सदी में बनी है। अच्छा, ये किसी को इतना मतलब इसके इतना ज्ञान नहीं है जी। जो ये पीछे से बाबा जी जो इनका स्थान है राजस्थान में कौन पता है? राजस्थान में नहीं, मुरथल है। मुरथल है सोनीपत। पीछे से जो इनका जो वंश चला है वो चला है खरकड़ी गांव से। हाँ, वो खरकड़ी गांव से थे। हाँ, फिर ये दिल्ली आ गए, दिल्ली इनने मुगलों के साथ लड़ाई की है, वहीं से इनको जो है अपना शीश काट के मुरथल आगे लड़ाई कर दे। हाँ, मुरथल ही ना, उन्हें अपने आप शीश काटी और लड़ते शीश उनके मुरथल धड़ा के यहाँ पड़ी। हाँ, जो इन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई की पांच, उसका क्या कारण था? उसका कारण यही था कि उन्होंने अपने संविधान जो बना रखा था वो गुलामी चाहते थे और इन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं करी। वो अपना आतंक मचा रहे थे। वो हर चीज से ये चाहते थे कि भाई हिंदू हमारी गुलामी करे, औरतों को गुलाम बनाते थे, औरतों को उठाकर ले जाते हैं, बहुत बुरा अत्याचार करते थे। उसी अत्याचार के बहाने इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की। उन्होंने इनकी बहन को उठा लिया, बहन सेडो धर्मबान थी जो इनकी धर्म बहन थी, वो श्याम कौर उनको इन्होंने उनकी कैद से छुटवाया। वहीं से इनको लड़ाई शुरू करी, वहीं से लड़ाई हुई है उसी बात। और नागे गुरु की कृपा से ये अमर हुए हैं। नागे गुरु जी इनके, उनके बारे में बताएं। नागे गुरु जी ने इनको शक्ति दी है, भक्ति दी है, इनको तपस्या करने का आदेश दिया है, इन्होंने अपने शरण में रखे है, तो इन्होंने पावर दी है, वरदान दिया है। और इन्होंने नागे गुरु ने इनको बताया था कि भाई जब भी आप लड़ाई के अंदर आपको ये दिखे भाई हम बेबस हो गए और मरने के लिए हो गए,
अपने आप कलम सिर कर लेना, अपने आप शीश तार लेना, तो मैं आपको सरजून कर दूंगा। अगर उनके हाथों मरोगे तो आप सरजून नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप शीश कलम करके लड़ते लड़ते दाढ़ी यहाँ आ गई और शीश वहीं मुरथल। पांच शीश इनके मुरथल में है, मतलब नागे गुरु की कृपा से ये अमर हुए। और गोगा जी के साथ भी इनका इतिहास है, गोगा जहर पीर जी के साथ, गोगा जहर वीर के भी साथ इनका इतिहास है। उन्होंने उसके साथ में भी काम किए, उनके भी काम बहुत किए, उनके भी कार्य किए। ये बहुत बहुत बड़ा इतिहास है इनका, बहुत पुराना इतिहास, पुरातन इतिहास। ये बहुत सालों से चला आ रहा है, पता नहीं कितनी सदी बीत गई। और कलयुग में मानते हैं कि ये है ना, सभी कार्य करते हैं, जो भी भक्तियां श्रद्धा के अनुसार जहाँ पर आता है, बाट दिखाते ही नहीं। ये तो कहते हैं भाई तुरंत दान महाकल्याण, एक हाथ लो और एक हाथ दो। एक बार आप हमारी दरगाह के ऊपर सच्चे दिल से कोई भी मुराद मांगते हो तो पूरी होती है, तो पूरी होती है। हर जगह हमने बहुत विश्वास किए हैं, जो भी भगत यहाँ श्रद्धा से आता है ना, उसकी जोड़ी भर के जाती है, कभी खाली नहीं। और जो ये बाबा जी का जो स्थान है, पांचों बाबरियों का जो ये स्थान बना हुआ है नागे गुरु जी के साथ, जो इनका मेन जो मेला भरता है, मेन मेला किस दिन भरता है? हर संडे को भरता है, हर संडे नहीं, जैसे साल भर में दो तीन मेले इनके ज्यादा त्यौहार पे भरते हैं, दिवाली दशहरा होली, ये तीन तो मेन त्यौहार है। इन पे तो यहाँ रास्ता भी नहीं मिलता, इतनी भीड़ हो जाती है। अच्छा, इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ तो। दिवाली दशहरा और होली ये तीन तो मेन त्यौहार है, इन पे तो हर आदमी आता है। और ये जो बारह महीने हर संडे को मेला भरता है, ठीक है। और ये जो पांचों बाबरी हैं, इनका जो भोग प्रसाद है मुख्य रूप से, लोग क्या भेंट के रूप में चढ़ाते हैं इनको? जो ज्यादा लोग ज्यादातर तो यहाँ मीठा ही चलता है, मीठा चलता है, दारू चलती है। अच्छा, वैसे तामसिक भोग प्रसाद लगाया जाता है। वैसे एक आधा भगत भाई मीठा भी चढ़ा देता है, मीठा भी चढ़ा देता है, वो भी चलता है। यानी कि हर किस्म का भोग यहाँ चलता है। अच्छा, मतलब तामसिक भोग प्रसाद भी जहाँ पर लगता है, और सात्विक भोग प्रसाद से भी इनकी मानता होती है। वो अपने श्रद्धा के ऊपर है, जहाँ भी वैष्णो चलाओगे तो वैष्णो चलेगा, और तामसिक चलाओगे तो तामसिक चलेगा। जैसे आपके घर की परंपरा, जैसे आपके जो पुराने पूर्वज हैं, जिस विधि के अनुसार इनको मान रहे हैं, उसी विधि के हैं। और बलि के रूप में जो मिड्ढा होता है, मिड्ढा या बकरा, उसकी बलि देने के बाद जहाँ पर बांटा भी जाता है, यहाँ बांटा भी जाता है, बांटा जाता है। अब नहीं बांटते, अब ये लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। अच्छा, अब पहले बांटते थे। अच्छा, अब लॉकडाउन के यहाँ पहले बांटते हैं, मतलब पहले बांटते थे यहाँ पर। और ये जो चौकी जहाँ पर लोग आते हैं भक्त जन, रात जगह भी करते हैं या दिन में ही? रात जगह भी करते हैं, दिन में भी आते हैं, रात्रि को भी आते हैं। जिन्हें रात जगह करनी है, रात्रि को रहते हैं, यहीं रहने का बहुत साधन है यहाँ। और जो भक्त जन भक्ताई का काम करते हैं, सादगी का, झाड़ फूक का काम करते हैं, वो कितने आते हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा आते हैं, अनगिनत। अच्छा, भक्त तो बहुत अनगिनत आते हैं। और बाबा जी की सवारी आती है? बाबा जी की सवारी आती है, गौरी साहब की। ये पांचों बाबरियों के, जैसे जाफर मल बाबरी, हरि सिंह बाबरी, केसर मल बाबरी, नाथ मल बाबरी, जो ये इनकी पांचों स्थान है, ये ज्यादा मानता किसकी है यहाँ पर? यहाँ ज्यादा सबल सिंह बाबरी और केसर मल बाबरी। अच्छा, सबल सिंह बाबरी और केसर मल बाबरी की ज्यादा मानता है यहाँ पर उनको, सबकी। लेकिन ये दो ही मेन यहाँ ज्यादा है, दोनों को ज्यादा मानता है। सबसे ज्यादा सबल सिंह बौरी है, सबल सिंह, उसके बाद फिर ये केसर मल। और माता श्यामकुर मोनी को भी बहुत साथ में है, इनके साथ ही रहते, साथ में चलते, इनके साथ मानता है इनकी। दोनों की, केसर मल के साथ में भी, सबल सिंह के साथ में भी, ये पांचों के साथ में चलती है। जो ये स्थान बना हुआ है बार माता काली और माता पाथरी वाली और माता मदानन का, ये पुरातन बना हुआ है या बाद में बनाया है जी? ये तो बाद में बनाया जी। कितने वर्ष हो गए? ये तो बस इनको तो होंगे 20 साल। ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये तो बाद में बिठाया। अच्छा, ये बाद में बनाया। ये तो जब पब्लिक यहाँ जुड़ना शुरू होगी, पब्लिक कहने लगे भाई हम पाथरी जाते हैं, माता काली पे जाते हैं, हमने दूर जाना पड़े, तो यही उनका भी स्थान बना दिया। जो इनका दरबार है, जो पांचों बाबरियों का ये दरबार है, ये 24 घंटे खुला रहता है या इसको मतलब बंद भी करते हैं बीच में? नहीं, ये रात के टाइम 11 बजे बंद हो जाता है। 11 बजे बंद? और जिस दिन मेला होता है उस दिन पूरी रात खुला रहता है। अच्छा, उस दिन तो पूरी रात खुला रहेगा, जैसे दीपावली होगी, दशहरा हो गया, होली होगी, तब पूरी रात खुला रहता है। जब हर रविवार को लोग आते हैं, हर रविवार को आते हैं, तो रविवार को 11 बजे बंद हो जाता है। रविवार को 11 बजे रात को 11 बजे बंद हो जाता है, सवेरे 6 बजे खुल जाता है। अच्छा, सुबह 6 बजे फिर खुल जाता है।
सवेरे 5 बजे 6 बजे खुल जाता है। बाद में आप अपना नाम बताएं एक बार फिर से। ये शिव कुमार सैनी। शिव कुमार सैनी जी। और आपकी जो शॉप है 2 नंबर पे? 2 नंबर पे शॉप है जी, सुशील कुमार सैनी के नाम से। सुशील कुमार सैनी के नाम से। सैनी जी के नाम से। आप भी मानते हो बाबा जी को? हाँ जी मानते हैं, खूब मानते हैं। घर में ज्योत बत्ती लगाते हैं? लगाते हैं जी, घर में भी दुकान में भी हर जगह। ठीक है। तो हाँ वक्त जनो, हम सुशील कुमार सैनी जी, हाँ सुशील कुमार सैनी जी की शॉप के ऊपर बैठे हैं। आप कभी भी आएँ तो जहाँ से आप भोग प्रसाद लेकर जा सकते हैं। और बहुत ही तस्वीरें बाबा जी की, प्रतिमा सावल सिंह बौरी, केसरमल बौरी, और जो नागे गुरु जी की प्रतिमा ले जाएँ, और बाबा जी की जो भी दिव्या शक्ति हैं उनको आप प्राप्त करें।